लड़ाई हो गई गाइस, लड़ाई हो गई। ये ले। आधा घंटा हो गया है और ऐसा कुछ रिजल्ट सामने आया हमारे। और YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ कृषि मंडी सब्जी लेने, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। ब्लॉग को सपोर्ट किया करो गाइज और शेयर भी किया करो अपने अपने फ्रेंड्स सभी को। तो अब चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलते एक बार सब्जी लेने। जा चुके हैं सब्जी मार्केट में, मिल रहा है पिन खजूर वगैरह ले लुए, मटर वटर। फीलिंग आएगी आपको पूरी सब्जी मार्केट वाली। अभी तो आगे पूरी बैंड बच चुकी है हेलमेट के कारण। क्या क्या लेना है? मार्केट है गाइस ये सब्जी मार्केट, और आगे तक है बहुत बड़ा है। अभी टमाटर कुछ भीड़ है गाइस यहाँ पे सब्जी मार्केट में। ये सब बड़े बड़े व्यापारी लोगों की दुकान है, बाहर ऐसे बैठते हैं। फुटकर स्ट्रेट वाला है पूरा का पूरा। इधर भी वही सिस्टम है, सब तरफ वही। बहुत बड़ा मार्केट है। ये गाजर के भाव है 1 किलो 20। अपनी शॉपिंग तो कर ली है, वो बैग जा रहा आगे फ्रूट्स की शॉप पर। पेरू लेते हैं हम पाइनएप्पल जूस निकालने के लिए। गाइस अभी का सीन ये है कि मैं नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ और अब मुझे बनाना है गाजर का हलवा। अच्छा, तो आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे गाइस। मैं पहली बार बनाऊंगा, सहायता लेंगे मम्मी और बहन की। तो ये गाजर आ चुकी है, गाजर को छील लेते हैं एक बार उसका हलवा बनाने के लिए। तो रेडी है हमारे सब हथियार, चक्कू वगैरह। इसके ऊपर घसेंगे हम गाजर को, फिर इसका हलवा बनाएंगे गाजर का। सो गाइस आज हम फूड ब्लॉगर बन रहे हैं, देखा जाए तो सस्ते फूड ब्लॉगर। सो गाइस ऐसे को घसते हैं गाजर को। तो गाइस देख सकते हो एकदम ताजी ताजी गाजर का हलवा बनेगा आज, तो मजा आ जाएगा। फैशन रिलेटेड ब्लॉग करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, फ्री टाइम में ये काम करता है ये। नहीं नहीं गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, घर का काम करना पड़ता है एक्चुअली। ऑर्डर भी आता है ऊपर से, हाई प्रेशर आता है ऊपर हेड का, मम्मी का प्रेशर आता है, प्रेशर आता है। फिलहाल तो छत के ऊपर आए हैं, जिसको छत समझ में नहीं आती है, चांदनी पे आए हैं हम लोग मेवाड़ी में। ये हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये चूल्हा है, चूल्हे पे बनाएंगे हम हलवा। हलवे की प्रिपरेशन चल रही है और देसी टाइप बनेगा, एकदम मजा आ जाएगा खाने में, शानदार। स्टार्ट हो गई है प्रिपरेशन और हम साल में कभी भी एक बार लगा देते हैं यार चूल्हा ये वाला। ये तो यही बना रहे हैं शौक से वीडियो पे, और ये अच्छा भी लगता है काफ़ी हलवा, मतलब देसी टाइप से बनता है ना ये हलवा, तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली लग चुका है चूल्हा और मम्मी की रसोई तैयार हो रही है इधर। गाइस गाजर डाल दिए देख सकते हो कढ़ाई में। अब इसके अंदर का पानी जितना भी होगा सूख जाएगा, फिर इसमें डालेंगे दूध। तो मज़ा आने वाला है गाइस खाने में। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये एकदम देसी स्टाइल से बन रहा है ना चूल्हे पर, चांदनी पर बने रहा हमारा चूल्हा माते, गैस माते नहीं बने रहा, चूल्हा माते बने रहा, चांदनी माते। ये ड्राई फ्रूट्स है, इनमें सब ये शक्कर है, ये ड्राई फ्रूट्स से बहुत सारे डाक वगैरह। इसको हिला रहे हैं मम्मी जी, दूध डाल रहे हैं देख सकते हो, दूध उंधा रहे हैं मतलब डाल रहे हैं, एक ही हो गया। दूध डाल दिया गाइस और मलाई देख सकते हो, केड़ी चीज़ है, स्वाद आ जाएगा। अगली बार हम जब बनाएंगे ना मक्की के आटे की पपड़ियाँ, वो अब मैं बताऊँगा आपको कैसे बनाते मक्की पपड़ी, घर पर बनाएंगे वो, मज़ा आएगा। सो गाइस मज़ा आ रहा है छत के ऊपर हलवा बनाने में। इधर सनसेट हो रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है सन। गाइस पैज होगा इधर देख सकते हो, दोनों पतंगों के पैज हो रहे हैं। ये तीसरी भी कहाँ से आ पड़ी है बीच में, ये तड़प रही पतंग ब्लैक वाली। मेवाड़ी में हीरो के हीरो, ये हीरो, ये हीरोइन है, हीरो सीरो, सीरा सीरा कहते हैं, मम्मी से पूछो सीरा कहते हैं हलवा हीरो। और हमारे मोबाइल में है सीरी इसको सीरा कहते हैं, हमारे मोबाइल में सीरी है। ये देख सकते हो ये बना रहा है हलवा, शानदार हलवा बनेगा गाइस। तो आधा घंटा हो गया है और ऐसा कुछ रिजल्ट सामने आया हमारे, देख सकते हो पतंग कट के जा रही है और आ गई पतंग, ये आ गई, ये आ गई, ये तीसरा भी आया दौड़ के, ये ऊपर से पकड़ेगा पतंग, अभी आएगी, ये घर में चल जाएंगे। ये आ गए पतंग आ गए गाइस, ये आ गए दो चार जने और उधर से भी आ रहे हैं मेरे को लग रहा है। ओ भाई लो लूट लगे, लूट लिए, लूट लिए, लूट लिए, ओ लड़ा गए तीनों चारों, लड़ा गए भाई तीनों चारों लड़ा गए। ओ भाई वो देखो ये ले लड़ाई हो गई गाइस, लड़ाई हो गई, पतंग फाड़ दी इन लोगों ने, फाड़ दी गाइस पतंग ही गाइस, और देखो लड़ा गए। नारियल का बुरा था, ये ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, डाल चुके हैं ड्राई फ्रूट वगैरह।
मम्मी की रसोई भी सही है, नाम है ना चैनल का। चैनल है अच्छा, यूट्यूब पे है। आप सपोर्ट करोगे तो मम्मी का भी चैनल बना देंगे, इसका बना देंगे। गए शक्कर डल चुकी है मिठास के लिए, क्यों लाइक भी कर दिया करो वीडियो यार, दबा के शेयर भी कर दिया करो, बस सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है गाइस, अंधेरा हो चुका है देख सकते हो पूरा का पूरा, और हलवा भी हमारे तैयार हो चुका है फिलहाल तो। और कमेंट करके बताना कौन कौन चूल्हे पर ही बनाता है हलवा, और किसको किसको टेस्टी लगता है हलवा चूल्हे पर ही। ठीक है गाइस, अब घी डल रहा है इसके अंदर भरपूर मात्रा में, घी डल चुका है। ओहो टेस्टी लग रहा गाइस, अच्छा बन गया हलवा, शाइनिंग आती है। तैयार हो गया हमारा हलवा खाने को, सीरा तैयार हो गया है हमारा हलवा तैयार हो गया, देख सकते हो आप लोग शानदार तरीके से बनाया हम लोगों ने चूल्हे पे। कलर देखो गाइस, रेयर कलर है ये, आपको दुकानों दुकानों और शादी ब्याह में नहीं मिलेगा आपको, ये ओरिजिनल हलवा है गाइस। गाइस फाइनली रूम में आ चुके हैं और हलवा बन के तैयार हो चुका है देख सकते हो ना, हलवा खाने के लिए तैयार हो गए हम लोग भी। मजा आ गया, कुछ देसी हलवे की बात ही कुछ अलग, मजा आ गया। वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, आज हम गए थे सब्जी लेने और आपने देखा होगा आज हमने गाजर का हलवा बनाया, वो भी देसी तरीके से और चूल्हे पे बनाया था। वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो, जल्दी से हमारे 1K करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।